माननीय बाचस्पति महोदय कृषि पर जलसेचन सबुठ गुरुत्वपूर्ण उपादान कृषि उत्पादन क्षेत्र में जलसेचन महत्व को उपलब्धि करी आम गत दुई दशंधि मध्य माननीय मुख्यमंत्री दूरदृष्टि संपन्न नेतृत्व में जलसेचन विकास द्रुत अग्रगति करूँ मौसुमी अनिश्चितता कृषि को सुरक्षित रखापी आगामी वर्ष मानक जलसेचन विकास को गुरुत्व दिजाव 2022-2023 आर्थिक वर्ष अतिरिक्त निर्माणाधीन बृहद एवं मध्यम जलसेचन प्रकल्प गुड़ी को संपूर्ण करवा आम सरकार प्राथमिकता निर्दिष्ट समय सीमा मध्य प्रकल्प गुड़ी को संपूर्ण करने खोला केनाल परिवर्ते भूतल पाइप लाइन वितरण व्यवस्था ग्रहण करतीत अधिक अंचल जलसेचित करने निकट अतीत आम कि नूतन बृहद एवं मध्यम जलसेचन प्रकल्प यथा सांदुल कुसुमी योजना PMKSY अधीन कार्यकारी होता EBP प्रकल्प गुड़ी संपूर्ण करने निम्ते 2493 कोटी टंका व्यवराद करा राज्य पांठि प्रचलित जलक्षेत्र भित्तिभूमि उन्नयन कार्यक्रम WSIDP अधीन अन्यान्य निर्माणाधीन एवं नूतन प्रकल्प गुड़ी संपूर्ण करने 1022 कोटी टंका व्यवराद करतीत बन्या नियंत्रण एवं जल निष्कासन कार्य निम्ते 968 कोटी टंका व्यवराद कर 2013-14 वर्ष ठारो राज्य ढीप जमी को जलसेचन जोगाई देवाई पार्वतीगिरी बृहद उठा जलसेचन प्रकल्प कार्यकारी हो आसूँ अतिरिक्त 263,000 हेक्टर जमी को जलसेचन जोगाई देवा लक्ष्य राज्य सरकार आसंता 5 वर्ष मध्य विभिन्न बृहद उठा जलसेचन प्रकल्पी 10,759 कोटी टंका व्यय कर लक्ष्य रखिंट ये योजना अधीन 20 गोटी निर्माणाधीन प्रकल्प गुड़ी संपूर्ण करने 2022-23 आर्थिक वर्ष 485 कोटी टंका व्ययबराद कर 2022-23 आर्थिक वर्ष अतिरिक्त जलसेचन क्षमता सृष्टि निम्ते जलनिधि योजना पर RIDF सहायतार 234 कोटी टंका व्ययबराद कर गभीर नलकूप निर्माण पर राज्यर कृषक मैंने बहुल भाव दाबी उपस्थापन कर दृष्टि रखी 2022-23 आर्थिक वर्ष 12,500 गभीर नलकूप खनन निम्ते डीप बोरवेल सेच कार्यक्रम विजु कृषक विकास योजना DBSK गोष्ठी उठा जलसेचन पॉइंट स्थापन पर 422 कोटी टंका व्ययबराद होई जलर सठिक व्यवहार द्वारा यार गुणवत्तार उन्नति आणवा सह एक्वाटिक इकोसिस्टम को बजाय रखा और पानीय जलर उत्स को सुरक्षा प्रदान कर जल व्यवहार दक्षत केनाल लाइनिंग सिस्टम एंड पुनरुद्धार पाई निमंते इरिगेशन प्रोजेक्ट फॉर क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर योजना कार्यकारी हो 2022-2023 आर्थिक वर्ष योजना अधीन 538 गोटी क्षुद्र जलसेचन प्रकल्पर नवीकरण और पुनरुद्धार पर 300 कोटी टंका व्ययबराद कर आयकट पुनरुद्धार पर आम सरकार अचल उठा जलसेचन प्रकल्पर पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत करिछन्ती
ए जावद आम 7,061 गोटी अचल उठा जल सेचन प्रकल्पर पुनरुद्धार कर सारी 2022-2023 आर्थिक वर्ष 195 कोटी टंका व्यय 1,000 अचल उठा जल सेचन पॉइंटर पुनरुद्धार करने लक्ष्य रखा जा। कृषि ऋण, कृषि क्षेत्र ऋण जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप माध्यम रे 5,00,000 कृषकों अंतर्भुक्त करार लक्ष्य रही। कालिया योजना अधीन रे चासी मानको 50,000 टंका पर्यंत बिना सुधरे कृषि ऋण उपलब्ध करवाई आम सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। आम संकल्प मुताबक चासी मानको 50,000 टंका रु 3,00,000 टंका पर्यंत ऋण राशि शतकड़ा 2% रिहाती सुधरे जोगाउछु। एथिपाई मु चासी मानको पई सुध रिहाती इंटरेस्ट सबवेंशन योजना रे 893 कोटी टंका व्यय बराद प्रस्ताव रखुछि। ऋण समवाय संस्था गुड़िक माध्यम रे चासी मानको उपलब्ध होइथाय। मु समवाय संस्था मानको आर्थिक सहायता निमन्ते 37 कोटी टंका एवं समवाय बैंक मानको साधारण अंश सहायता इक्विटी सपोर्ट पई 150 कोटी टंका व्यय बराद प्रस्ताव रखुछि। सहीपरि राज्य रे अणधान शस्य क्रय निमन्ते ओडिशा राज्य समवाय मार्केटिंग फेडरेसन लिमिटेड को 2022-2023 आर्थिक वर्ष 100 कोटी टंकार कर्पस पांठि प्रदान करायैछि। या व्यतीत मु 2022-2023 वर्ष रे सार एवं विहीन किणा सहायता जोगाई देवा निमन्ते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यकारी हो। 2022-2023 आर्थिक वर्ष चाषी मानकर प्राप्य निर्धारण करी सेमानको त्वरित सहायता और पर्याप्त क्षतिपूरण प्रदान निमन्ते 600 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। अमल परिवर्ती परिचालना राज्य सरकार द्वारा धान तथा खाद्य शस्य संग्रह बजार दर को राज्य समवाय बैंक कोर बैंकिंग व्यवस्था जरिया कृषक मान बैंक खातारे सीधा सड़क जमा करा जाउची जहाँकि समग्र देश में अनन्य अटे। अणधान शस्य यथा मुग बिरी हरड़ चीनाबादाम एवं सूर्यमुखी इत्यादि फसल उचित मूल्य चाषी मान जोगाइबापाई राज्य में नाफेड सहभागित मूल्य समर्थन प्रणाली प्राइस सपोर्ट सिस्टम आरंभ हो। डाली और तैल जातीय शस्य संग्रह पर चाषी मान पंजीकरण निमन्ते ई समृद्धि पोर्टाल आरंभ हो। मांडिया और बाजरा जातीय फसल मिलेट जलवायु सहनीयता एवं पोषक तत्व समृद्ध गुणर स्वीकृति स्वरूप मिलित जातिसंघ 2023 वर्ष को अंतर्जातीय मिलेट वर्ष भाव घोषणा कर। डीएमएफ सहित समन्वय रक्षा कर 15 जिले में 85 ब्लक में मिलेट चाष को प्रोत्साहन देवाई आम 2017 मसीह ओडिशा मिलेट मिशन आरंभ करूँ।